नमस्कार दोस्तों, आपके माता पिता, गुरुदेव, भगवान और इष्टदेव सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि श्री राम को लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड देना पड़ा। इससे पहले अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। रामायण की कथा के बारे में तो सभी जानते हैं कि किस तरह से भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की और उसमें उनके भाई लक्ष्मण और हनुमान जी ने उनका बहुत साथ दिया। लेकिन रामायण के कई ऐसे पहलू हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। आज हम आपको रामायण की ऐसी ही एक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें राम ने लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया था। लेकिन राम ने ऐसा क्यों किया, आइए हम आपको बताते हैं इसके बारे में। ये घटना उस वक्त की है जब श्री राम लंका विजय करके अयोध्या लौट आते हैं और अयोध्या के राजा बन जाते हैं। एक दिन यम देवता कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए श्री राम को बुलाते हैं और चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व वो भगवान राम से कहते हैं कि आप जो भी प्रतिज्ञा करते हो उसे पूर्ण करते हो। मैं भी आपसे एक वचन मांगता हूँ कि जब तक मेरे और आपके बीच में वार्तालाप चले तो हमारे बीच कोई नहीं आएगा और जो आएगा उसको आपको मृत्यु दंड देना होगा। भगवान राम यम को वचन दे देते हैं। राम लक्ष्मण को ये कहते हुए द्वारपाल नियुक्त कर देते हैं कि जब तक उनकी और यम की बात हो रही है वो किसी को भी अंदर ना आने दे, अन्यथा उसे उन्हें मृत्यु दंड देना होगा। लक्ष्मण भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही समय बीतता है कि वहां पर ऋषि दुर्वासा आ जाते हैं। जब दुर्वासा ने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में राम को जानकारी देने के लिए कहा तो लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। इस पर दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरी अयोध्या को श्राप देने की बात कही। लक्ष्मण समझ गए कि ये एक विकट स्थिति है जिसमें या तो उन्हें रामाज्ञा का उल्लंघन करना होगा या फिर संपूर्ण नगर को ऋषि के श्राप की अग्नि में झोंकना होगा। लक्ष्मण ने शीघ्र ही निश्चय कर लिया कि उनको स्वयं का बलिदान देना होगा ताकि वो नगरवासियों को ऋषि के श्राप से बचा सके। उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। राम भगवान ने शीघ्रता से यम के साथ अपने वार्तालाप समाप्त कर ऋषि दुर्वासा की आवाभगत की, परंतु अब श्री राम दुविधा में पड़ गए क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि अपने ही भाई को मृत्यु दंड कैसे दें, लेकिन उन्होंने यम को वचन दिया था जिसे उन्हें निभाना था। इस दुविधा की स्थिति में श्री राम ने अपने गुरु का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने को कहा। गुरुदेव ने कहा कि अपने किसी प्रिय का त्याग उसकी मृत्यु के समान ही है, अतः तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने ये सुना तो उन्होंने राम से कहा कि आप भूलकर भी मेरा त्याग नहीं करना, आपसे दूर रहने से तो अच्छा है कि मैं आपके वचन की पालना करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो आप देख पाए। धन्यवाद।